पेंड्रा रोड गुरुकुल जिम्नास्टिक केंद्र में आयोजित संभाग स्तरीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में जनजातीय लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस महोत्सव में बिलासपुर संभाग के गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली जिले से दो दो नृत्य दल तथा बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा एवं रायगढ़ जिले से एक एक लोक नृत्य दल प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए। महोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से आदिवासी विकास विभाग द्वारा कराया गया। संभाग स्तरीय इस महोत्सव में जिला स्तरीय पर चयनित लोक कलाकारों ने पारंपरिक और आकर्षक पहनावे के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों मादर, ढोल, झांझ, मंजीरा, बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि की धुन पर सधे हुए लयताल एवं सुर में प्रस्तुति देकर दर्शकों को प्रभावित किया। कलाकारों ने जनजातीय लोक नृत्य की विभिन्न विधाओं, विवाह, फसल कटाई, पारंपरिक त्योहारों कर्मा, शैला, सुआ आदि में आकर्षक प्रस्तुति दी। जय महामाया कर्मा दल बिलासपुर को प्रथम और कर्मा नृत्य धनौली को द्वितीय स्थान पर चयनित किया गया। संभाग स्तर पर चयनित दल राज्य स्तरीय महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे। सहायक आयुक्त ललित शुक्ला ने कहा कि उनका विभाग छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति एवं तीज त्योहारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। ये नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के तत्वावधान में आज संभाग स्तरीय ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें अपने बिलासपुर संभाग के सभी जिलों के चयनित दलों ने भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि जो हमारा नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल होना है उसके लिए प्रतिभागियों का चयन करना और राज्य स्तर पर इसका आयोजन राज्योत्सव के दौरान किया जाएगा। इसमें से बिलासपुर जिले की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और हमारे GPM जिले की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और ये दोनों चयनित दल जो हैं ये राज्य स्तरीय आयोजन में शामिल हैं।